बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलने के बाद योगी सरकार अब लखनऊ के चिड़ियाघर का नाम बदल सकती है। लखनऊ जू का नाम नवाब वाजिद अली शाह की जगह अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा आगामी 25 दिसंबर को अटल जयंती पर हो सकता है। लखनऊ चिड़ियाघर का नाम 2015 में अखिलेश सरकार ने बदला था। इसे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहलाने की घोषणा की थी। अभी तीसरा मौका होगा जब लखनऊ चिड़ियाघर का नाम बदला जा रहा है। लखनऊ चिड़ियाघर में हर साल 13 लाख दर्शक आते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि नाम बदलने से दर्शकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि एक गौरव की ही बात होगी। बता दें कि लखनऊ चिड़ियाघर वर्ष 1921 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा तैयार किया गया था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजकुमार के नाम पर इसे प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन कहा जाने लगा। 80 साल बाद जू का नाम 4 जून 2001 को बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया गया। फिर मार्च 2015 में अखिलेश सरकार ने इसका नाम अवध के अंतिम नवाब के नाम पर कर दिया। शहरों के नाम बदलने से जहां राजनीति गर्म है, वहीं लोग योगी सरकार के फैसले से खुश हैं। फैजाबाद का नाम अयोध्या किए जाने के फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अयोध्या नाम रखने से लोगों की राम में आस्था बढ़ेगी। योगी जी ने अयोध्या नाम कर दिया है फैजाबाद जनपद का, तो अयोध्या इसका अलग अस्तित्व है। ये इसका अस्तित्व श्री राम जी के नाम पे है। तो अभी 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही अयोध्या से फैजाबाद की दूरी फैजाबाद लिखा जाता था, तो अयोध्या लिखे जाने से ये भी अपना फैजाबाद का जो अस्तित्व था और बढ़ जाएगा, इसका स्तर बढ़ जाएगा, इसको जानने वाले लोग बढ़ जाएंगे और श्री राम के बारे में जो लोगों की धारणा है, जो विश्वास है, वो उनके यहाँ से आने जाने से, आवागमन से इस अपना जनपद का विकास बहुत तेजी से होगा। फिर नजर देखते हैं भगवान राम की एक पहचान है यहाँ अयोध्या नगरी में। इस नाम से पूरा देश जानता है, देश क्या पूरा विश्व जानता है। इसलिए अच्छी नजर ये है, सरकार ने प्रयास किया है। पिछली सरकार ने कोई किसी को इस बात पे ध्यान नहीं आया कि यहाँ एयरपोर्ट का नाम चेंज हो और जो है जिला का नाम चेंज हो।